to the goal. Abhilai. Quick time as well. 37 balls, 9 boundaries. Pumping through the air. And then you're up against this guy, who just अब बंद भी करो ये टीवी कल जल्दी उठना है स्कूल भी जाना है प्लेट यहाँ रखकर खाओ गिर जाएगी अम्मा कुछ और चाहिए जब देखो तब क्रिकेट हमें हमारा टीवी का नाटक कोई देखने ही नहीं देता अम्मा देखना तुम्हारे पोते को सचिन बनाऊंगा और मैं पापा अरे तू तो मेरी लाडली है बता क्या बनेगी तू कैटरीना तो फिर पक्का बेटा सचिन और बेटी कैटरीना कैसे बना देंगे कोई प्लानिंग की है जिंदगी का कोई प्लान है बच्चे अपने आप कुछ कर लेंगे अगर बच्चे अपना भविष्य अपने आप ही बना लें तो हम माँ बाप का क्या काम अगर हम उनके भविष्य का प्लान नहीं बना सके तो कौन बनाएगा इनके फ्यूचर का प्लान वो पड़ोस की शकीला बहन महिला नसबंदी के बारे में बता रही थी कह रही थी कि छोटा सा ऑपरेशन था अब आराम से है इससे हमारा क्या मतलब सब बेकार की चीज़ें हैं शरीर फूल जाएगा और काम भी नहीं कर पाओगी कुछ आपको कैसे पता सब कहते हैं इन सब चक्करों में मत पड़ना बात बच्चों की जिंदगी के प्लान की है मुझे अपने परिवार अपने घर के लिए कुछ करना ही होगा उषा दीदी से मिलती हूँ अरे वाह ये डिजाइन तो बहुत बढ़िया बना है और शीला सब ठीक ठाक ना सब ठीक है दीदी कोई परेशानी नहीं मैं भी खुश वो भी खुश अरे मालती आओ आओ वो मैंने इनसे बात की थी लेकिन ये मेरे नसबंदी करवाने के हक में नहीं क्या तुम्हें और बच्चे चाहिए नहीं दीदी जो दंपति और बच्चे नहीं चाहते उनके लिए तो महिला नसबंदी एक बहुत ही अच्छा उपाय है अपने परिवार को सीमित रखने का हाँ दीदी मैं तो यही चाहती हूँ आजकल तो नसबंदी कराना बहुत ही आसान हो गया है दूरबीन वाला ऑपरेशन नई तकनीक से होता है ये बस एक छोटा सा टांका और 3 घंटे बाद ही अस्पताल से छुट्टी पर सुना है इससे कमजोरी हो जाती है गैस हो जाती है और कमर दर्द भी होता है ये शीला भी यही कहा करती थी अब जरा पूछो इससे इन्होंने भी करवाई है इसने ही नहीं यहाँ पर जितनी भी है सब ने करवाई हुई है और देखो कितनी खुश हैं सब इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि आपकी सेहत और मजबूत हो जाती है क्योंकि बार बार गर्भ ठहरने का खतरा नहीं रहता इससे ना तो गैस होती है और ना ही कमर में दर्द अब देखो ये कमली ये कहती थी कि सिर्फ सर्दियों में ही करवाएगी मौसम से कुछ लेना देना नहीं है मैंने तो गर्मियों में करवाई थी बहुत खर्चा आता होगा नहीं 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 सरकारी अस्पताल में तो ये सुविधा मुफ्त दी जाती है और काम में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर 600 रुपए दिए जाते हैं लेकिन वो कह रहे थे कि इससे वजन बढ़ जाएगा अरे किरण जरा बताई ने ऑपरेशन कराने के बाद तेरा वजन बढ़ा क्या अरे इसका आदमी तो अभी भी इसे साइकिल पर घुमाता है अरे क्या हो गया सुरेश भाई अरे कैसे हो नमस्ते भाभी जी नमस्ते कुछ नहीं यार बस ऐसे ही तुम्हारे बड़े ठाट लग रहे हैं ऐसा ही समझो लॉटरी लगी है लक्ष्मी के रूप में मतलब हमने मिलकर जिंदगी का प्लान बनाया और लक्ष्मी ने अपनी नसबंदी करवा कर खुशियों का इंश्योरेंस जो करवा लिया पर साइड इफेक्ट्स का क्या सुनी सुनाई बातें हैं अभी मैं जल्दी में हूँ फिर मिलेंगे तो बात करता हूँ मेरे घर में भी लक्ष्मी है
बस नाम लक्ष्मी की जगह मालती है, जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस अपना घर और अपने सपने। अब ये सपने जरूर पूरे होंगे, हम मिलकर अपनी जिंदगी का प्लान बनाएंगे। कब चलना है डॉक्टर के पास? तो आपको और बच्चे नहीं चाहिए? मासिक धर्म शुरू होने के 7 दिन के भीतर नसबंदी का ऑपरेशन करवाना बेहतर है। आओ जांच करके देख लें कि ऑपरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं। डरो मत, दर्द बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सुन्न कर दिया जाता है। और डॉक्टर मैडम, घर जाने के बाद क्या क्या एहतियात रखना होगा? 1 या 2 दिन आराम करें और 48 घंटों के बाद घर के हल्के फुल्के काम किए जा सकते हैं। दवाइयाँ लेना बिल्कुल ना भूलें। ऑपरेशन की जगह को छेड़ना नहीं है और उसे सूखा रखें। अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझसे पूछें। जी अच्छा। 7 दिनों तक थोड़ी सावधानी रखनी होती है, जैसे कि ये कोई भारी सामान ना उठाएं। 7 दिन के बाद आप संबंध बना सकते हैं। चेकअप के लिए फिर कब आना होगा? ऑपरेशन के 7 दिनों बाद टांके हटवाने के लिए आना होगा। नसबंदी के 1 महीने बाद आप मेरे पास चेकअप के लिए जरूर आएं। जी डॉक्टर। आप नर्स के साथ जाइए, ये सारी तैयारियां करवा देगी। अरे तुम दोनों आ भी गए? हाँ माँ, इतने कम समय में जिंदगी भर का आराम। आप लग गए घर के कामों में, हटिए लाइए मुझे करने दीजिए। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तुम तो मेरी लक्ष्मी हो और लक्ष्मी के लिए कुछ भी किया जाता है। और वैसे भी मैं तो ये छोटे मोटे काम ही कर रहा हूँ। अब इतना भी बड़ा ऑपरेशन नहीं था, मैं कर लूंगी। एक ग्लास पानी तो पियो। बहुत ही मीठा पानी था। पति के हाथ का पानी था ना, मीठा तो हो गई। बड़ा प्यार आ रहा है। हटिए काम करने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इस बार काम मैं करूंगा और आराम तुम। और वैसे भी जिंदगी का प्लान तो तुमने बना ही लिया है। मैंने नहीं, हमने। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। मालती का रोल इसमें मुझको बहुत अच्छा लगा। हमने ऑपरेशन करा लिया इसीलिए कि मतलब बच्चे मतलब ज्यादा ना हो। हस्बैंड का भी बहुत अच्छा किरदार लगा भाई। कम परिवार तो सुखी परिवार तो वही है कि 2 बच्चे हैं, कुछ खर्चा कम लगेगा। अब ज्यादा बच्चे रहेंगे उसका इस्तेमाल कहाँ से हम कर पाएंगे। 2 बच्चे हो उसमें आदमी गुंजाइश से पढ़ा सकता है। जी नसबंदी कराने से कोई नुकसान नहीं हुआ मेरी वाइफ को और बहुत स्वस्थ है, खुश भी है और मतलब कोई टेंशन फ्री है। दोनों ने सलाह करी थी तो जी अच्छा लगा था हमने कि ऑपरेशन कराना चाहिए। शादीशुदा लाइफ भी हमारी ऐसी चल रही है और आगे आने वाले समय भी अच्छे ही चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर पति पत्नी जो है अपने रियल लाइफ में भी ऐसे ही किरदार की तरह से जिंदगी जिए तो बहुत ही बेहतर होगा।